यूपी के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से 8,449 मदरसों को जारी किए गए नोटिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जाहिर किया है। बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दीदी की कयादत में नुमाइंदा वफद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बोर्ड का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन बेसिक एजुकेशन के स्कूलों में कराने के लिए मदरसों को हुक्म दे रहा है। बोर्ड के अहदेदारों ने सीएम योगी से इस हुक्म को वापस लेने की मांग करते हुए मेमोरेंडम सौंपा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि मदरसों से जुड़ी हुई यूपी के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से 8,449 मदरसों को जारी किए गए नोटिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जाहिर किया है। बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी की कयादत में नुमाइंदा वफद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बोर्ड का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन बेसिक एजुकेशन के स्कूलों में कराने के लिए मदरसों को हुक्म दे रहा है। बोर्ड के अहदेदारों ने सीएम योगी से इस हुक्म को वापस लेने की मांग करते हुए मेमोरेंडम सौंपा है। अब इसको लेकर सीएम योगी का क्या आखिरी फैसला होता है, यह अहम होगा यहां पर देखना। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एतराज जताते हुए यह मेमोरेंडम सौंपा है और इस पर क्या कुछ अहम फैसला होगा आने वाले दिनों में ये देखना होगा। आपको बता दें कि